मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं मुंबई में थी, मैंने बताया नहीं था, मतलब मैंने पूजा जी नोज दैट, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था बिकॉज मैं अपना मॉडलिंग और ये सब कर रही थी। एंड आई सेड कि आई कजरारे नहीं भी रिलीज हुई है तो कोई बात नहीं, आई जस्ट चेक कि मैं मुझे कौन सी फिल्म मिलेगी और मैं किससे लॉन्च करूंगी। और डेफिनेटली मैं बॉलीवुड में तो काम मुझे करना ही है, क्योंकि बॉलीवुड को मैं ऐसा मानती हूँ कि जिसने मुंबई ऐसी जगह है कि वो जिसने वो बुला लेता है आपको, ये शहर, इस शहर के अंदर एक ऐसी वाइब्स है, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये एक हिस्ट्री है मुंबई की। और मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत नेट पे बहुत रिसर्च किया है, मतलब देखा है कि कैसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं और कहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी और कैसे फिर एक दिन सबकी सब लोग उन्हें दिल से प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क। सो डिसाइडेड तो था लेकिन मैं इनसे मिलने आई नहीं। और जब इनके पास मेरे पिक्चर्स आए थे उन्होंने बोला अच्छा ये मुंबई में, कॉल किया, बोला कि इसको लेकर आओ। मैं कही, मुझे कॉल आया मेरे एजेंसी से, द एलान पीपल, दे कॉल मी, दे सेड कि मुकेश जी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आर यू श्योर मुकेश जी मुझसे मिलना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, बिकॉज वो मुझे जानते हैं। कहते हैं हाँ। मैंने कहा लेकिन कह रहे तुम जाके एक मीटिंग कर लो ना। ओके, मैं आई ऑफिस में बैठी थी, मतलब यहीं बैठी थी। सो देन मुकेश जी ने बोला चल तुझे लॉन्च देते हैं, गिव यू द ह्यूज लॉन्च। आई वॉज लाइक ओके, पर मुझे पता नहीं था कौन सी फिल्म करने वाले। और जब मैंने फिल्म की स्टोरी पढ़ी, आई लव द निशा स्टोर। निशा के जो कैरेक्टर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट कुछ पॉइंट थे, मैं पढ़ती जा रही थी, शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था ये रोल, और मुझे कहा ठीक है ठीक है। और एक पॉइंट आया, मैंने कहा ओ माई गॉड, ये हो क्या रहा है इस फिल्म में, क्योंकि इतने ट्विस्ट हैं, इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि कोई भी ये फिल्म करना चाहेगा। एंड देन दिस इज अ स्टोरी, लाइक उन्होंने कहा कि मैं आपको मॉडल 3 में लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने कहा मुकेश जी मॉडल 3? बोला तू पार्टी देगी मुझे बाद में। सो आई थिंक ही वाज प्रीटी मच श्योर। मैं कभी भी लाइफ में कहीं भी चली जाऊं, कोई भी रोल्स करूं, कुछ भी, मैं कभी भूल नहीं सकती कि मुझे एज एन एक्टर मेरा कॉन्फिडेंस और एज अ पर्सन मुझे इमोशनली जितना इनकरेज किया है सबने। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू एवरीवन। और आई लव विशेष फिल्म्स, आई लव भट्ट साहब, आई लव एवरीवन। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि मर्डर 3 आज की जनरेशन के लिए इट्स अ वंडरफुल मैसेज। और इस वैलेंटाइन पे दिस द लव विल बी मर्डर्ड। बट हम लोग हर इंटरव्यू में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोल रहे होते हैं कि ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो प्यार को समझना चाहते हैं, और ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कभी प्यार नहीं किया, और ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जो प्यार करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनका दिल टूटा है और जो दिल तोड़ना चाहते हैं और दिल जोड़ना चाहते हैं। सबकी फिल्म है। एंड वॉच मर्डर 3।